वो दौर भी क्या दौर हुआ करता था जब घर में एक साइकिल को मर्सिडीज की तरह सजाया जाता था और इसके सजाने वाली चीजें देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तब के टाइम में मर्सिडीज तो बहुत बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात समझते थे लोग साइकिल को। अच्छा। अंग्रेजों का रूल हुआ करता था कि अगर कोई भी विदाउट लाइट के बाहर बंदा जाता था उसका चलान होता था, एक पैसा ज्यादा पैसा। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ। साइकिल के आगे जो एक छोटा सा लगा होता है वो जिसके ऊपर कंपनी का लोगो लगा होता है, लोग कहते हैं कि ये लिफाफा टांगने के लिए होता है, पर वो लिफाफा टांगने के लिए नहीं होता, वो यहाँ पर जलता था, वहाँ पर लाइट लगती थी। अच्छा सर, ये लाइट चलती कैसे थी? अभी यहाँ से लॉक है इसका, नीचे इसके केरोसिन डलता था, बत्ती लग जाती थी, उसके बाद लॉक लगा देते थे। तो ये फ्रंट शीशे इसका थोड़ा हैवी होता था, ये थोड़ा सा दूर तक लाइट मारता था। इस साइड में ये अगर कोई हवा नहीं जा रही है तो उसको हवा देने के लिए थोड़ा सा इसको खोला जाता था इस तरीके से। अरे क्या बात है। एंड उसके बाद ये होते थे टोकन, जैसे अभी बाइक का लाइसेंस होता है, गाड़ी का लाइसेंस होता है, साइकिल का भी लाइसेंस होता था पहले। वाओ, ये तो बड़ी कमाल चीज है। ये जो आगे वाले चक्के के ब्रेक होते हैं वहाँ पर इसको लगा देते थे। जब कोई भी मेरा भाई साइकिल नया लेके आता था जो गाँव के जो पंचायत होती थी ये उनके द्वारा लगाया जाता था, कोई भी इसके बिना पकड़ा जाता उसका चलान होता था। क्या बात है। तो ये भी आज के टाइम में तो किसी को पता नहीं है, जो मेरे भाई 70 से 80 साल के करीब उन्होंने ये देखे हैं। टाइम बदलने के बाद ये बनी थी मेड इन जापान में, तो इसके अलग अलग कलर होते थे। रेड आपको येलो रखना है, ठीक है, ऑरेंज रखना है, आपको रेड कलर का लाइट चाहिए, तो वो आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए जाने लगे। अच्छा, मतलब लाइट भी रंग बिरंगी, कौन सी वाली अपने को लाइट रखना है। यहाँ से जो ओपन भी हो जाता है, ठीक है, अगर आपको पूरा व्हाइट रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसके अंदर सेल डलते थे, यहाँ पर 2 सेल लगते हैं। हाँ। ठीक है, तो ये भी आप लगा लो कि यहाँ पर लिखा वो 1966 का बना हुआ है, ये 1966। हाँ। उसके बाद फिर मॉडल थोड़े थोड़े चेंज होते गए, तो ये वाला एडिशन आया लाइट का, ये ऊपर इसके स्विच आने लग गया, सबसे पहले केरोसिन वाला फिर सेलो वाला। ये सेल वालों का सबसे लास्ट वाला एडिशन ये है, ये ना कम से कम 70 साल पुरानी लाइट है ये भी। अच्छा, तो ये और ये वाली कितनी? ये वाली तो 100 साल से पहले की, ये तो कन्फर्म है। क्या बात। ठीक है, ये वाला कम से कम 90 लगा लो, 80-70। तो ये लास्ट में जो तकरीबन 35 से 40 साल बाद पहले ये वाला लाइट लगना शुरू होगा, डायनामो वाला लाइट। डायनामो। हाँ, अगर जो मेरे भाई ज्यादा बुजुर्ग हैं 80 से 90, उन्होंने तो ये लाइटें देखी हुई है जी। ठीक है, जो लगा लो कि 50 साल की एज में है, उन्होंने ये वाली लाइट देखी है। क्या बात है। जो ये वाला पार्ट चक्के के बैक साइड पे लग जाता था, चक्का घूमता था तो ये लाइट घूमती थी, और करंट पैदा को होता था तो फिर ये लाइट आगे हैंडल पे लग जाता था, तो इसको डायनमो लाइट बोलते थे। दोस्तों, आपने सुना भी होगा पहले जैसे रेडियो का भी लाइसेंस हुआ करता था, साइकिल के भी कुछ ऐसे टोकन हुआ करते थे, तो ठीक इसी प्रकार से कुछ इस तरीके से अंग्रेजों वगैरह के इनके रूल बनाए हुए थे जिन्हें पुराने जमाने के लोग फॉलो किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज भी आपने इन पुरानी चीजों को संभाल कर रखा है।